तो अब जो कुछ बचा है वो किसानी है और कॉरपोरेट्स 25 लाख करोड़ का जो लगभग ये कारोबार समझिए या जो कृषि है इसको पूरा पूरा अडानी अंबानी और टॉप कॉरपोरेट्स के चरणों में रखने की जो मोदी सरकार की मंशा है। क्योंकि अगर आप सावरकर और गोलवलकर और गोडसे का इतिहास उठाकर देखेंगे तो उनका मानना है कि इतना दमन करिए कि सरकार की जो जनता है वो जीने को ही विकास समझ ले। नमस्कार, आशा है आप सब लोग अच्छे हैं। बहुत समय के बाद बात हो रही है। देश भर के किसान आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, प्रवक्ता, मुख्यमंत्री, गोदी मीडिया, आईटी सेल देश के अन्नदाताओं को कभी खालिस्तान से जुड़ा हुआ, कभी आतंकवादी, कभी देशद्रोही, कभी राष्ट्र विरोधी, जो ये प्रोपेगेंडा और प्रोजेक्शन है। मैंने कृषि कानूनों के बारे में पहले भी आप सबसे कई बार बात किया, ये बहुत दुखद है क्योंकि किसान किसी प्रांत का एकाधिकार नहीं है, पूरे देश के लिए वो अनाज उगाते हैं। नमस्कार दीपक सक्सेना जी, आप सबका स्वागत है। बहुत समय के बाद मैं लाइव हूं। तो वैसे तो खेती किसानी ही किसी प्रांत का विशेषाधिकार नहीं है, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार को बिना बातचीत करे फैसले लेने की आदत है, वो चाहे नोटबंदी हो, वित्त मंत्री को नहीं पता था कि नोटबंदी होने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया, कहा 50 दिन में कहीं भी मिलना, भले ही देश तबाह हो गया, 50 दिन से आज इतने समय होने को आया, चाहे गब्बर सिंह टैक्स का फैसला हो तो प्रांतीय, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, प्रांतीय सरकारों को डिस्कशन के योग्य नहीं समझते। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतना, वो तो अवतार हैं, देवी देवता हैं। तो वो अभी आपने देखा ना कि किसान आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं, इस कड़ाके की सर्दी में राजमार्ग हाईवेज उनके लिए खोदे जा रहे हैं, ठंडे पानी की बौछारें हो रही हैं और वो प्रधानमंत्री जी जो प्रोटोकॉल तोड़कर तमाम राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, जो फ्रांस में जब रफेल का समझौता होगा तो रातों रात पहुंच जाते हैं, अगर डील अडानी की होती तो ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित होते SBI के हेड के साथ, तो वो अपने कॉरपोरेट मित्रों के लिए किसी भी सीमाओं को लांघ जाते हैं। किंतु बात अगर देश के 62 करोड़ किसानों की हो, उस 85% आवाम से जुड़ी हो, क्योंकि खेती किसानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतवासी इससे जुड़े हैं। नमस्कार जावेद साहब, राजीव कुमार जी, आप सबको नमस्कार, प्रभाकर जी, आर्यन सिंह जी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी तक आवाज नहीं पहुंचती है, तब वो बनारस में गंगा विहार क्रूज में करते हैं, आनंद लेते हैं, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबे आम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमट। तो प्रधानमंत्री जी का जो ड्रामेटिक अंदाज है, धर्म और अध्यात्म का जो कॉकटेल है, उन्होंने पोर्ट किंग अडानी के चरणों में, अब तो उत्तर प्रदेश का मौसी एयरपोर्ट भी अडानी साहब को 50 साल की लीज पर मिल चुका है, देश के तमाम हवाई अड्डे, देश की रेलवे लाइंस, तमाम बैंकिंग बैंक्स, चाहे वो HAL हो, चाहे वो BSNL हो, तमाम सारे उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्रों के तमाम नवरत्न कंपनियां, अब किसानी को कॉरपोरेट्स के चरणों में रखने के लिए। आपको याद होगा ये आपदा में अवसर, कोरोना काल में विपक्ष को निलंबित करते हुए, राज्यसभा का TV म्यूट करके, ये जो 3 काले कानून, ये अध्यादेश जो पास किए गए, अब योगी मोदी सरकार जिस तरह दमनकारी प्रवृत्ति से किसानों को राष्ट्रद्रोही, जिस तरह उन्हें खालिस्तान का उसमें एंगल ढूंढ रही है, राजनीतिक दलों का एंगल ढूंढ रही है, और जो हम आंखों से देख सकते हैं, तो ऐसा इन काले कानूनों में क्या खास बात है कि सिर्फ भाजपा के प्रवक्ताओं को, भाजपा के मुख्यमंत्रियों को, भाजपा के नेताओं के, भाजपा के समर्थकों को ही इन कानूनों में खासियत दिखाई दे रही है? क्योंकि मुझे अन्य किसी एक्टिविस्ट या एग्रीकल्चरल से जुड़े व्यक्ति या किसी बुद्धिजीवी, किसी इंटेलेक्चुअल या खेती किसानी, हम सभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, 10.5 रुपए में किसानों ने आलू बेचा, हम आप 50 रुपए में खरीद रहे हैं, आलू टमाटर के रेट्स में कोई फर्क नहीं आया, पेट्रोल डीजल के रेट्स में हम तो वही ले रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट की कॉस्ट क्या है और मोदी सरकार ने क्या फायदे लिए इस पर, तो आम आदमी से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर बातें बनानी हो तो प्रधानमंत्री जी पहुंच जाएंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एक जो ये प्रोपेगेंडा है अन्नदाताओं के खिलाफ, तो आप लोग भी सोशल मीडिया पर अग्रसर रहकर, क्योंकि ये बात मध्यम वर्ग की भी है, अगर किसान निरीह हुए, क्योंकि और देखिए नोटबंदी के बाद देश के क्या हालात हुए, स्टार्टअप्स की क्या स्थिति है, एंटरप्रेन्योरशिप के क्या हालात हैं, असंगठित क्षेत्र की कमर टूट चुकी है, MSMEs बिल्कुल तबाह हैं,
है ना, तो कोई और सेगमेंट में 2 करोड़ नौकरियां इस लॉकडाउन के दौरान गई, और सरकार चोरी छुपे चुपचाप जिस तरह इस कोरोना काल को, तो अब जो कुछ बचा है वो किसानी है और कॉरपोरेट्स, 25 लाख करोड़ का जो लगभग ये कारोबार समझिए या जो कृषि है, इसको पूरा पूरा अडानी अंबानी और टॉप कॉरपोरेट्स के चरणों में रखने की जो मोदी सरकार की मंशा है। क्योंकि अगर आप सावरकर और गोलवलकर और गोडसे का इतिहास उठाकर देखेंगे तो उनका मानना है कि इतना दमन करिए कि सरकार की जो जनता है वो जीने को ही विकास समझ ले। तो ये जो हिटलर जो ये सोच है फासिस्ट कि आपस में पोलराइजेशन करके लोग हैं, और किसानों के साथ जो हो रहा है ये दुखद है, और एक आम नागरिक होने के नाते मैं चाहती हूं कि सरकार ये काले कानून वापस ले। आप लोग समर्थन करिए अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से, मुखर होकर अपनी बात को इन हैंडल्स पर रखिए। बहुत सारे मुख्य धारा के चैनल अभी भी पाकिस्तान की टिड्डी जैसा ही जैसा कुछ कुछ चलता रहता है, तो ये इशू जो है बहुत जनरेट होकर आना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी का इशू है। अगर किसानी, अगर ये काले कानून वापस नहीं होते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम भयावह हैं। आप समझिए कि अभी एक कृषि से जुड़े व्यक्ति ने कहा कि 1 बीघा धान की लागत लगभग 5,000 रुपए आती है, उसके बाद आवारा पशु पशु भगाना हो या प्राकृतिक आपदाएं हो, उसकी पहरेदारी करनी हो, और अगर 1,868 रुपए के MSP भी नहीं किसान को मिलेगा तो ये तो सरासर अन्याय है। अगर गल्ला मंडियां खत्म हो जाती, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो बटाईदार होते हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती, तो वो लाखों करोड़ लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। अगर पूंजीपति के पास सारे अधिकार सुरक्षित होंगे, जैसे अडानी इज फ्रॉम गुजरात, बंबई में है वो, और पंजाब में उन्होंने 15 शैलो सेंटर्स के लिए सरकार को कहा, तो आप समझिए कि अन्न भंडारण पे जो ये कॉमोडिटी एक्ट 3rd वाला है, अगर जमाखोरी पे लगा प्रतिबंध हटता है और एक ही व्यक्ति इतने अन्न का भंडारण करता है, तो हम सब आप विवश हैं बिग बाजार और फ्यूचर ग्रुप पर निर्भर होने के लिए। तो पुनः मेरा अनुरोध है कि ये जो मोदी सरकार की हठ धर्मिता है, जो इतने बड़ा मैंडेट उनको मिला है, तो उनके जो ये 7 साल का जो कुशासन है, इसमें लिए गए जो तमाम क्रांतिकारी जन विरोधी फैसले हैं, उसी श्रृंखला में ये जो अगला कानून है ये हम सबकी कमर तोड़ देगा। तो इसका पुरजोर विरोध करिए, और आप लोग अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से इसमें लिख भी सकते हैं, और आपके मेल्स भी मुझे बराबर मिलते हैं, मगर तमाम पारिवारिक व्यस्तताओं के चलते ये संभव नहीं हो पाता कि हमेशा बात हो पाए, किंतु मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ, और मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि इन तीनों काले कानूनों को शीघ्र अति शीघ्र वापस लिया जाए। राज्यसभा टीवी म्यूट करके ध्वनि मत के माध्यम से जो फैसले ये लिए गए, मैं समझती हूँ कि इन्हें वापस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।